क्या आप भी इस बात के कंफ्यूजन में रहते हैं कि चेहरे पर चीनी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? तो आपको बता दें कि आप फेस पर चीनी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर तब जब आपकी त्वचा पर मुहासे और दाग धब्बे हो। चीनी का अधिक सेवन बेशक सेहत के लिए सही नहीं, लेकिन इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा को कई फायदे होते हैं। जी हाँ, अगर आप चीनी को फेस पर लगाते हैं, ये चेहरे से मुहासे, दाग धब्बे जैसी चीज़ें हटाता है और इसके अलावा ये आपकी त्वचा को ग्लोइंग भी बनाता है। इसलिए आप बेझिझक चीनी को अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका जान लें। सबसे पहले, अगर शुगर स्क्रब से आप चेहरे पर मसाज कर रहे हैं तो ये आपके चेहरे पर जमी डेड स्किन सेल्स को हटाता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, चीनी में नींबू का रस और ऑलिव ऑयल आधा चम्मच डालें, मिक्स कर लें, 2 मिनट तक मालिश करें और चेहरा साफ कर लें। अगर आपके चेहरे पर दाग या फिर निशान है तो मोटे दाने वाली जो चीनी होती है उसका 1 चम्मच लें। इसमें थोड़ी सी मात्रा में बादाम का तेल, शहद, कॉफ़ी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे निशान पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब आप इसे पानी से धोएंगे तो यकीनन आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि डायरेक्ट चीनी का स्क्रब फेस पे नहीं करना है, क्योंकि इससे फेस की स्किन छिल भी सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।